देश विदेश में। तमिलनाडु जो कि पानी के किल्लत से जूझ रहा है, उसे कावेरी नदी का पानी दिया जाए या ना, कर्नाटक के मुख्यमंत्री इसी बात को फैसले के लेकर विधानसभा में एक विशेष बैठक बुलाए हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार ने दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रोजाना 6000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को दिए जाने के आदेश को टालने का फैसला किया था और अब राज्य विधानसभा द्वारा उस फैसले का सर्वसम्मति से अनुमोदन किए जाने की संभावना है। कर्नाटक का कहना है कि उनके पास पीने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है, सो ऐसे में तमिलनाडु की फसलों के लिए पानी देना उनके लिए संभव नहीं है। कर्नाटक ने कोर्ट से यह भी कहा कि उसे कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने की भी आशंका है, क्योंकि दोनों राज्यों के बीच दशकों से चले आ रहे कावेरी मुद्दे को लेकर पिछले कुछ हफ्तों में राज्य भर में हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि अगले 7 दिन तक तमिलनाडु को रोज 6000 क्यूसेक पानी दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अवांछित है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु को पानी नहीं दिए जाने का उनका फैसला उनके हिसाब से कोर्ट की अवमानना नहीं है। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा, कोर्ट को वास्तविकता बता दी गई है, परंतु उसके बाद भी इस तरह का आदेश दिया गया है। हम लोग जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमें इंसानों को तो पानी देना ही होगा। इस मुद्दे पर सिद्धरमैया को राज्य के सभी राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। एक सर्वदलीय बैठक में राज्य कैबिनेट के उस आदेश को सर्वसम्मत समर्थन मिला, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं कर सकता है। बीजेपी बैठक से दूर रही थी, लेकिन उनके राज्य इकाई प्रमुख बीएस येदियुरप्पा ने कैबिनेट के फैसले का स्वागत किया है। किदांबी श्रीकांत को कड़ी चुनौती पेश करने के बावजूद जर्मनी के मार्क को कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। जापान ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई। रियो ओलंपिक के बाद पहला टूर्नामेंट खेल रहे 8वें वरीय श्रीकांत को 58 मिनट चले मुकाबले में दुनिया के 15वें नंबर के खिलाड़ी के खिलाफ 21-18, 14-21, 19-21 से हार झेलनी पड़ी। श्रीकांत ने इस मैच से पहले ज्वेबलर के खिलाफ 2 मैच जीते थे, जबकि 1 मैच में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पहले गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले के बाद ज्वेबलर ने 15-10 की मजबूत बढ़त बनाई, लेकिन श्रीकांत ने 12-16 के स्कोर पर लगातार 8 अंक के साथ गेम पॉइंट हासिल कर लिया। ज्वेबलर ने 2 गेम पॉइंट बचाए, लेकिन श्रीकांत ने पहला गेम जीतकर 1-0 की बढ़त बना ली। दूसरे गेम में 6-6 स्कोर के बाद ज्वेबलर ने बढ़त हासिल की और फिर इसे अंत तक बरकरार रखते हुए गेम जीतकर मुकाबला 1-1 से बराबर कर दिया। तीसरे और निर्णायक गेंद में श्रीकांत ने अच्छी शुरुआत करते हुए 6-2 की बढ़त बनाई। ज्वेबलर ने हालांकि 16-16 पर बराबरी हासिल कर ली। जर्मनी के खिलाड़ी ने इसके बाद 18-16 की बढ़त बनाई। ज्वेबलर को 20-18 पर 2 मैच पॉइंट मिले। श्रीकांत ने 1 मैच पॉइंट बचाया, लेकिन जर्मनी के खिलाड़ी ने अगला अंक जीतकर गेम और मैच अपने नाम कर लिया। असम में बीती रात हुए सेना और उग्रवादियों के मुठभेड़ में सेना के 1 जवान घायल हो गए, तो वहीं 6 उग्रवादियों को मार गिराया। मारे गए उग्रवादियों में से इस समूह के शीर्ष नेता थे। पुलिस अधीक्षक देवोजीत देवरी ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस और सेना के संयुक्त दल ने बोकाजन पुलिस थाने में अंतर्गत आने वाले इलाकानी पाथर पर अभियान शुरू कर दिया है। देर रात लगभग 1 बजे जंगल के भीतर सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी। उन्होंने बताया कि इस मुठभेड़ में कैपीएलटी के 6 उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। इस दौरान सेना का 1 जवान भी घायल हो गया। देवरी के मुताबिक इस भूमिगत संगठन के मारे गए उग्रवादियों में से 2 आला नेता हो सकते हैं। उनकी शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है। घायल सैन्य कर्मी को अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि मारे गए उग्रवादियों के पास से 1 SLR राइफल, 2 इंसास राइफल, 3 पिस्तौल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं। कॉर्बी नेशनल लिबरेशन फ्रंट द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा किए जाने के बाद साल 2010 और 2011 में इस समूह एक धड़ा अलग हो गया था। इसी धड़े ने कैपीएलटी का गठन किया। यह गुट बोकाजन के दूर दराज के इलाकों में सक्रिय है। भारत अब पाकिस्तान पे डबल कूटनीति अटैक करने की तैयारी कर रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि पाकिस्तान को मिलने वाले मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म करने का इशारा किया है। इसके अलावा भारत सिंधु जल संधि भी खत्म कर सकता है।
उरी अटैक के बाद भारत में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। ऐसे में भारत सरकार के ये फैसले पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। दोनों ही फैसले से पाकिस्तान की आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि सरकार के पास MFN पर विचार करने का प्रस्ताव पहले से है। इससे पहले भी सरकार पाकिस्तान को अलग थलग करने का ऐलान कर चुकी है। मेघवाल ने कहा कि भारत व्यापार संबंधों से अधिक तवज्जो देश की सुरक्षा को देता है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया उस वक्त स्थिति अलग थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पहली बार है जब भारत पाक के FN स्टेटस को रिव्यू कर रहा है। मेघवाल ने यह भी कहा है कि भारत को पाकिस्तान दुनिया के मोर्चे पर भी अलग थलग करने के लिए काम कर रहा है। इससे पहले सुब्रमण्यम स्वामी सहित BJP के कई नेता और रिटायर्ड सैनिक MFN का दर्जा वापस लेने के लिए सरकार से अपील कर चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड नियमों को लेकर MFA स्टेटस दिया जाता है। MFN स्टेटस दिए जाने पर दूसरे देश इस बात को लेकर अस्वस्थ रहते हैं कि उसे व्यापार में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को 1996 में MFN का दर्जा दिया था। इसकी वजह से पाकिस्तान को अधिक आयात कोटा और कम ट्रेड ट्रैफिक मिलता है। हालांकि बदले में पाकिस्तान ने आश्वासन देने के बावजूद भारत को अब तक MFN दर्जा नहीं दिया है। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद विदेश की खबर को देखिए हमारी सहयोगी ईशा त्रिखा के साथ।